गत 2000 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व थक गया। सबका सुख, शाश्वत सुख, कभी फीका न पड़ने वाला सुख, ये सब जीवों के लिए लक्ष्य रहता ही है, प्रकृति ने दिया है। उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, और उन प्रयोगों के चलते, उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविधाओं में, मनुष्य के साधनों में, मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई। भौतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, भौतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए, उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बातें पैदा हो गई, लेकिन सुख नहीं बढ़ा, पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया। सुख नहीं बढ़ा, असमाधान बढ़ा, आत्महत्याएं बढ़ी, परिवार टूटने लगे, साधन संपन्न, विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का उपयोग मनुष्य कल्याण के लिए करने के बजाय युद्ध के एक से एक प्रगत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है, और कला थमा नहीं है, हिंसा रुकी नहीं है। और इसलिए आज की दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले। हमारी दृष्टि में हम विश्व को जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए, अब हमारी दृष्टि के आधार पर, हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है। हमसे भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है, अधिक सटीक है, उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए।